5. Good morning, children. Class 5. Subject Sanskrit. और वीडियो मेरा आज हो जाएगा रुको 33 पार्ट हो जाएगा, पार्ट हो जाएगा मेरा 5 सुभाषितानी। इस पार्ट को हमने पढ़ा दिया है, इसमें आगे आएंगी समास। जब दो या दो से अधिक शब्दों को इस प्रकार से संक्षिप्त करके लिखते हैं कि उनके अर्थ में कोई अंतर नहीं आता है तो उसे समास कहते हैं। जैसे जल बिंदु, जलस्य बिंदु। और समास के 6 प्रकार होते हैं, अव्यय भाव, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीही समास और 6ठा द्वंद्व समास। समास के इन 6 भेदों को के कई अन्य उपभेद होते हैं, इसका हम ऑब्जेक्टिव कराने जा रहे हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगावें। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे, इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें वह नंबर मृगः सही होगा, यानी सोए हुए सिंह के मुख में मृग यानी हरिण अपने आप नहीं चला जाता, नहीं समझ आता। दूसरा नंबर काकह काकह पीकह पीकह कला प्राप्ति, यह इसका ऑप्शन हो जाएगा बसंत समय, ग्रीष्म समय, शीत समय, वर्षा समय, इसमें अ ऑप्शन सही होगा बसंत समय। 3 नंबर में होगा शैले शैलेन माणिक्यम मौक्तिकम न डैश, इसमें भराएगा 100 नंबर गजे गजे, यानी शैले शैलेन माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे भराएगा। 4 नंबर में आएगा जल बिंदु निपातेन कर्मशः पुर्यते, इसमें सरह नहीं होगा, वह नंबर घटह सही होगा। जल बिंदु निपातेन कर्मशः पुर्यत, वह नंबर घटह सही होगा। ख में आएंगे निम्नलिखित शब्दों के सही जोड़े बनाकर लिखिए। पहल का होगा माणिक्यम शैले, इसका जोड़ा बनाकर माणिक्यम शैले लिख देंगे। बसंत समय पीकह, बसंत समय पीकह। अविदस्य धनम, अविदस्य धनम। पुर्यते घटः, पुर्यते घटः। सुप्तस्य सिंहस्य, सुप्तस्य सिंहस्य। कृष्णः काक, कृष्णः काक, यानी कौआ, कौआ काला होता है। इस तरह कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अलस्य कुतोह विद्या, अविदस्य कुतो धनम, इसमें कुतो भराएगा, इसमें दिया हुआ है कुतम कुते कुतो, तो इसमें कुतो भराएगा। ते मर्ज लोके डैश भारभूता मनुष्य रूपेण मृग सचरंती, इसमें भूई भराएगा, इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, भवि भूई भूमि, तो भूवि भराएगा। 3 नंबर में होगा साधवो नाही सर्वत्र गजम मौक्तिकम चंदनम, इसमें चंदनम न बने बने, यानी वन में हर वन में चंदन की लकड़ी प्राप्त नहीं होती। 4 नंबर में हो गया उद्मेन ही सिद्धंती, इसमें कार्यानी न मनोरथे, इसमें कार्यानी भराएगा। 5 नंबर में हो जाएगा शह डैश सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च, इसमें से हेतु सेतु केतु, इसमें से हेतु भराएगा। शह हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। इस तरह पहिलका का 5 पाठ का क ख ग का ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ। 5 घ नंबर में आएंगे निम्नलिखित शब्दों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। अमित्रस्य किम न भवति, तो इसका उत्तर होगा अमित्रस्य सुखम न भवति, अमित्रस्य किम न भवति, तो अमित्रस्य सुखम न भवति, यानी कि जो अमित्र होता है उसे सुख नहीं होता है। इस तरह दूसरा प्रश्न है विद्याहीना की रूपेण भूवि चरंती, तो इसको हम बाद में लिखाएंगे। इस तरह हो जाएगा कि स
संस्कृत फोर क्लास फाइव।